नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। डीटीएच कंपनियों केबल टीवी वर्सेस ट्राई, इनकी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। डीटीएच कंपनी और अपना ट्राई की लड़ाई खुलकर सामने आ गया पब्लिक में। क्या हुआ, पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक डीटीएच कंपनी ने पब्लिक मीटिंग की थी, तो उसने वहां पर बताया था कि ये जो 130 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगाकर फ्री टू एयर के चैनल शो दिए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। इनसे सभी डीटीएच कंपनियों के यूजर सब्सक्राइबर कस्टमर कम हो गए हैं, लोगों ने डीटीएच के बॉक्स बंद कर दिए हैं 130 रुपये रेंट के कारण। अब हम यहां देखिए तो 130 में 18% जीएसटी मिला दें तो ये 153-153 रुपए कुछ पैसे बन जाते हैं। डीटीएच कंपनी ने यही कहा है कि ये जो 153 रुपए हैं ये बहुत ज्यादा है। उन्होंने ट्राई को रिक्वेस्ट की कि ये जो 130 रुपये प्लस जीएसटी है इसको थोड़ा सा कम कर दें। ट्राई ने तो ये कहा है कि इसको 100 रुपए तक ले आए भी, हर कस्टमर को 30 रुपए का बेनिफिट दिया जाए, 100 रुपया उसे लिया जाए प्लस 18% जीएसटी ली जाए और उसको ये 100 चैनल दिया जाए। यही हाल केबल टीवी का है। केबल टीवी वाले भी ट्राई से परेशान है क्योंकि केबल टीवी के भी बहुत सारे कनेक्शन लोगों ने कटवा दिए हैं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा अब केबल टीवी और डीटीएच पर चैनल देखने का, क्योंकि इतने पैसे खर्च कर कोई बहुत कम लोग हैं जो ये चैनल देखना चाहते हैं इतने पैसों में। ज्यादातर जो यूजर हैं जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं या कुछ और चैनल देख रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट के देख रहे हैं या मूवी के देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल से ही देख रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास चैनल देखने के लिए नेट पैक फ्री है, वो मोबाइल पर ऐप के थ्रू देख रहा है। ये अब समझ सभी डीटीएच और केबल टीवी को भी लग चुकी है। पिछले दिनों ट्राई पर बहुत सारे केस लगे थे, उनमें से कुछ केस डीटीएच कंपनियों ने लगाए थे, कुछ केबल टीवी वालों ने और कुछ केस आम पब्लिक ने, आप और हम जैसे लोगों ने भी केस लगाए थे। ट्राई उनमें से बहुत सारे केस हार चुका है। जैसे एक केस तो डीटीएच कंपनी ने लगाया था, उसने ट्राई ने डीटीएच सभी डीटीएच कंपनियों को कहा था कि अपने लॉन्ग टर्म के प्लान है, लॉन्ग टाइम के जो प्लान है वो बनाकर जल्दी से ट्राई को बताए, पर डीटीएच कंपनी ने कहा था जब तक हमें कस्टमर की जिज्ञासा, उनके जानकारी जो वो चैनल देखना चाहता उनके बारे में नहीं पता चलेगा तो वो कैसे लॉन्ग टर्म के प्लान बनाकर दे सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर ये केस लगा था कोर्ट में और ट्राई वहां पर हार गया था। अब उम्मीद है कि ट्राई ये कम करे क्योंकि ट्राई अब दबाव में चल रहा है डीटीएच और केबल कंपनियों के, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने, जैसे हमने आपको बताया, बहुत सारे दर्शकों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, डीटीएच के सेटअप बॉक्स कटवा दिए हैं, केबल के कनेक्शन कटवा दिया, इनका सारा इफेक्ट डीटीएच और केबल टीवी पर पड़ रहा है, उनकी कमाई पर पड़ रहा है, उनकी कमाई कम हो रही है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।